हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राम स्वरूप जानी और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल RS एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के सेशन में मैं आज बात करने वाला हूँ फिजिक्स फार्मूला सेट नंबर 2 की, जो वेक्टर से रिलेटेड होगा। वेक्टर के सारे फार्मूले मैं आपको हल करवाने वाला हूँ, याद करवाने वाला हूँ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप एक बार अच्छे से उसको पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, वीडियो देख लेते हो, तो उनको कभी नहीं भूल पाओगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो यही फॉर्मूलाज का सेट मैंने हिंदी मीडियम में मेरे दूसरे चैनल RS सर के नाम से है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से उस चैनल पे आप जाके यही वीडियो आप हिंदी में भी देख सकते हो, वहाँ पे मैंने ये वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए डेली लेकर आता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज के फॉर्मूलाज का वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं वेक्टर्स की, जो फॉर्मूलाज उनकी बात करते हैं। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको एक वेक्टर के लिए इक्वेशन बता देता हूँ। आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई केप, वाई जे केप और जेड के केप। स्टूडेंट्स, इसमें आई केप, जे केप और के केप एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स की दिशा में एकांक सदिश है। इनको यूनिट वेक्टर कहते हैं एकांक सदिश के रूप में। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इनके अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की बात करते हैं, इसका अगर परिमाण निकालना चाहे तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आर वेक्टर का मॉड लिया इक्वल टू अंडर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, मतलब आई जे के, आई केप, जे केप और के केप के जो कॉफिशियंट है उनका स्क्वायर करके उनका अंडर रूट ले लीजिए, आपको उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, उसका परिमाण मिल जाएगा। अगर स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो होता है स्टूडेंट्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, अगर डॉट हटाएंगे तो यहाँ कॉस थीटा आएगा। सिंपल वे में आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए थोड़ा आगे चलते हैं। इफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स, अगर एंगल की बात की जाए वेक्टर्स के बीच में, जैसे ये आ गया ए वेक्टर, इक्वेशन आपके सामने ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप और ए जेड के केप। सेकेंड इक्वेशन है बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई केप, बी वाई जे केप और बी जेड के केप। अगर यहाँ पे बात करें इनके बीच में थीटा एंगल की, तो कॉस थीटा बराबर जो फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट, देखिए इसको इजी वे में याद रखिए, ए एक्स को बी एक्स से गुणा करिए, उसके बाद में ए वाई को बी वाई से गुणा करिए और उसके बाद में ए जेड को बी जेड से गुणा करिए। देख सकते हो आप फॉर्मूले में नीचे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन, यहाँ देखिए आई जे केप के केप के जो कॉफिशियंट है उनका पहले का अंडर रूट करके स्क्वायर कर दो, इधर दूसरे का जो इक्वेशन है उसमें आई जे केप के केप के जो कॉफिशियंट उनका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लो। तो इस फॉर्मूले को इस कॉन्सेप्ट से आप याद रखिए कि याद रह जाए, ऊपर उनका दोनों का गुना और नीचे उनका मैग्नीट्यूड ये मान लो आप, उनसे डिवाइड कर दो, कॉस थीटा आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ही बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नजर आएगी कि आई केप डॉट जे केप प्लस सॉरी इक्वल टू जे केप सॉरी आई केप डॉट आई केप इक्वल टू जे केप इक्वल टू के केप इक्वल टू वन। स्टूडेंट्स, जो आई केप जे केप और के केप है उनका खुद के साथ अगर अपन यूनिट उसकी स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं, सदिश गुणनफल की बात करते हैं, तो यहाँ पे डॉट जो है वो आपको उनकी वैल्यू वन प्राप्त होगी यूनिट वेक्टर के रूप में, एक प्राप्त होगा, थीटा बराबर यहाँ पे इस क्या होता है स्टूडेंट जीरो, तो जीरो होगा तो कोस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, तो आई केप डॉट आई केप की वैल्यू वन हो जाएगी, जे केप की वैल्यू वन हो जाएगी, के केप की वैल्यू भी वन हो जाएगी। देन सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री स्टूडेंट, देखिए कोस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो यहाँ देखिए आई केप डॉट जे केप इक्वल टू जे केप डॉट के केप इक्वल टू के केप डॉट आई केप। अगर इनके दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री है तो वहाँ थीटा बराबर क्या होगा 90, और अगर थीटा बराबर 90 होता तो इनकी वैल्यू इक्वल टू कितनी हो जाएगी जीरो, क्योंकि आई जे और के तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए वेक्टर प्रोडक्ट की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से वेक्टर प्रोडक्ट से। तो उसमें देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, या ए मापांक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर साइन थीटा एन केप, या इसको सारणिक रूप में हल कर सकते हैं इजी वे में बहुत अच्छे से, आई केप जे केप के केप, ये ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई बी जेड। अब आप इसको फॉर्मूले में इक्वेशन के रूप में हल कर सकते हैं। अगर आपको आई केप फाइंड आउट करना है तो इन दोनों को इस तरह से गुणा करिए और इस तरह से गुणा करके माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, देखिए यहाँ पे हल कर दिया, इसी तरह से जे केप के लिए और इसी तरह से के केप के लिए। और आप नीचे देख रहे हो इसको इक्वेशन को आप इस तरह से तैयार कर सकते हो, यहाँ पे नीचे नजर आ रहा है आपको, इसको सॉल्व कर लिया इक्वेशन के रूप में। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए दूसरी चीज़ आई केप क्रॉस आई केप इक्वल टू जे केप क्रॉस जे केप और के केप क्रॉस के केप की वैल्यू कितनी होती है जीरो, क्योंकि यहाँ थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री होता है और साइन जीरो का मान जीरो हो जाएगा। देन बात करते हैं सेकंड कंडीशन में, आई केप क्रॉस जे केप इक्वल टू के केप आ जाएगा, जे केप क्रॉस के केप इक्वल टू आई केप हो जाएगा, के केप क्रॉस आई केप इक्वल टू जे केप हो जाएगा, और यहाँ थीटा इक्वल टू 90 होगा इसलिए साइन 90 की वैल्यू वन हो जाएगी, ये स्थिति आपके सामने आएगी, क्रॉस में यहाँ पे वैल्यू आ रही है वन। तो इसके बाद स्टूडेंट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और आपके लिए, रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट परिणामी बात करते हैं, कोई दो वेक्टर है यहाँ पे P और Q, यहाँ पे डायग्राम देखिए अच्छे समझिए,
यहाँ पे बात करते हैं, ये पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर है, उनके बीच में यहाँ पे एंगल अल्फा बन रहा है, बट जो परिणामी आर है वो पी के साथ थीटा कोण बनाता है, ये वाला कोण देखिए थीटा कोण बन रहा है। तो इस स्थिति में देखिए स्टूडेंट्स जो परिणाम आएगा वो आएगा आर वेक्टर सॉरी आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू पी क्यू कॉस अल्फा। देन अगर बात करते हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा इक्वल टू आएगा स्टूडेंट क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। अल्फा स्टूडेंट्स पी और क्यू दोनों जो आपके वेक्टर उनके बीच का कोण है, और थीटा परिणामी और पी के बीच का कोण आपको नजर आ रहा होगा यहाँ इक्वेशन में। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स उसके बाद में देखिए रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का टू वेक्टर के लिए, और इसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के लिए। यहाँ पे एफ यदि एफ वन और एफ टू एक दूसरे के लंब तो ईच अदर, देन एफ वन इक्वल टू हो जाएगा एफ कोस एल्फा, देन एफ टू हो जाएगा एफ साइन एल्फा। स्टूडेंट्स मैं इसका घटकों का वियोजन करना बताता हूँ आपको, रेजोल्यूशन बताता हूँ। इसमें देखिए एफ के लिए अगर एल्फा कौन बनता है तो एफ वन यहाँ पर है और ये एफ टू है, तो स्टूडेंट एफ वन की जो वैल्यू होगी वो एफ के साथ यहाँ पे कोस एल्फा की होगी, और यहाँ एफ के साथ स्टूडेंट्स साइन एल्फा की होगी, क्योंकि जिसके साथ स्टूडेंट्स ये एल्फा आपको नजर आएगा जिस भुजा के साथ जुड़ा हुआ उसके साथ हमेशा कोस ले लीजिए, और जो उसके लंब उतारा उसके साथ साइन ले लीजिए। ये कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा रेजोल्यूशन को लेकर, घटकों के वियोजन को लेकर। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स अगर इनके एंगल की बात करते हैं तो उसमें देखिए यहाँ पर इफ एफ बी एनी वेक्टर एंड एफ वन एफ टू आर देयर कंपोनेंट ऑफ एट एंगल अल्फा एंड बीटा, तो एफ वन की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स अगर अल्फा और बीटा कंपोनेंट की बात करते हैं एंगल पे, तो एफ वन हो जाएगा एफ साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। देन अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स एफ टू की, तो एफ टू हो जाएगा एफ साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट देखिए इतना सा चेंज है, एफ साइन बीटा एफ साइन अल्फा, बस इतना सा चेंज है, अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। डायग्राम आप देख सकते हो, ये एफ वन है, ये एफ टू है, यहाँ पे अल्फा है, ये बीटा है, और ये परिणामी आपको बल एफ नजर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये यूनिट को लेकर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जो मैंने आपको क्लियर करवाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो यार वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। वीडियो को लाइक करने में आप कंजूसी मत करिए यार, क्योंकि आपका एक लाइक है ना वही मुझे मोटिवेट करता है। जितने ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर होंगे उतने ज़्यादा आपको वीडियो मिलेंगे। इस चैनल पे थोड़ी वीडियो कम आ रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि आप वीडियो शेयर कम करते हो, लाइक कम करते हो, इसलिए मेरा मूड नहीं करता कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाए। सेकंड चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो डेली के मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे काफ़ी शेयर करते हैं, लाइक कमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और मिलते हैं कैसे प्रैक्टिस सेट के साथ एक फॉर्मूला वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।